हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको रेडीमेड सूट का नेक बनाना बताऊंगी कि आप किस तरीके से बना सकते हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आप हमारे चैनल से जुड़ी हुई कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो ये इस तरीके से इस पर एम्ब्रॉयडरी हो रही है, इस पर कोई स्टोन वर्क नहीं है, सिंपल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो आज मैं आपको बताऊँगी इसको किस तरीके से बनाना है। हम इसको राउंड शेप में बनाएंगे। तो मैंने ये कपड़े पर फ्यूज़ पेपर पेस्ट किया हुआ है। और अब सबसे पहले कुर्ती पर मैंने सेंटर के लिए यह निशान लगा लेंगे। इस पर निशान लगाना है हमें कुर्ती के। और इसी तरीके से जो हमने ये कपड़े पर फ्यूजिंग पेपर पेस्ट किया है, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। मैं आपको इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई बता देती हूँ। तो इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है 4 इंच है, और इसकी जो लेंथ है 9 इंच है। इस तरीके से मैंने ये फ्यूजिंग पेपर चिपकाया हुआ है फैब्रिक पर। और इस पर भी सेंटर का निशान लगा लेंगे। सेंटर का निशान लगाने के बाद इसको जैसे हमने कुर्ती पर सेंटर का निशान लगाया है, बिल्कुल उसी के ऊपर रखना है। और जो हम पिन की हेल्प से हम किसको अटैच कर लेंगे दोनों को। इस तरीके से मैंने इसको सेंटर पर कुर्ती को और जो हमने फ्यूज पेपर लगाया था फैब्रिक पर, दोनों को अटैच कर लिया है। और इसको इस तरीके से टर्न करना है। टर्न करने के बाद मैं इसकी जो गले की चौड़ाई है वो मेज़र करूँगी। तो यहाँ 6.5 इंच आ रही है। जो हम दोनों साइड थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ते हुए हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। और नेक की लेंथ 7 इंच रख रही हूँ मैं यहाँ। इस तरीके से हमें इतना ही छोड़ते हुए पूरे गले पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ से मैं सिलाई लगाती हूँ और पूरे गले पर हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे। अगर आप छोटे गले पहनते हो तो आप उसे कम लगा सकते हो। उसमें हमारा जो नेक होगा एम्ब्रॉयडरी वाला, तो उसमें थोड़ा थोड़ा हमारा जो फैब्रिक है वो साइड में होगा, बचा हुआ होगा। आप उसे अच्छा लुक देने के लिए वहाँ पे कोई लैस वगैरह भी लगा सकते हो। अगर आपकी गले की चौड़ाई एकदम सही है तो फिर तो एकदम बहुत ही खूबसूरत लगेगा इस तरीके से नेक बनकर। अब बहुत इजीली आप बना सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा ली है और यहाँ पे मैं थ्रेड कट कर दूंगी। इस तरीके से जो हमारे पूरे गले पर सिलाई लग चुकी है और जो हमने पिन अटैच की थी उनको भी हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद पूरे गले पर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई के साइड में हम कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से हमें पूरे गले की पर कटिंग करनी है। हाफ हाफ इंच छोड़ते हुए मैंने पूरे गले पर इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब हम इस पर नॉचेस लगाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर। तरीके से नॉचेस लग चुके हैं। इसको मैं टर्न करके दिखाती हूँ आपको। तो अब यहाँ पर जो है इसको हम पूरे नेक पर 1-1 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमने जो सिलाई लगाई है इस पर जो एक्स्ट्रा है, अब यहाँ पर से इनको शेप देंगे। तो 1-1 इंच का निशान लगाएंगे। पूरे नेक पर 1-1 इंच का निशान लगाकर यहाँ से इसकी कटिंग करनी है। एक्स्ट्रा को हम अलग कर देंगे कट कर कर। इस तरीके से हमें इसे कट कर लेना है। यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है। और हमने जो यहाँ पर ये कटिंग की है, इसके बाद इस तरीके से एक बार हमें फोल्ड करना है और इसको स्टिच करेंगे। और इस फैब्रिक को इस तरीके से रखना है, इसके साइड में एकदम सीधा हम इस फैब्रिक को रखेंगे इस तरीके से। और इसको फोल्ड करते हुए जाएंगे नेक को। पूरे गले पर हम इसी तरीके से लगा लेंगे सिलाई। हमें पूरे गले पर एक बार ही फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है इसको।
जक्स्ट टेढ़े होने लग कर देंगे। तो इस तरीके से पूरा गले पर मैंने सिलाई लगा ली है और इस तरीके से फोल्ड हो चुका है। इसको इस तरीके से हमें टर्न करना है। इसी तरीके से हम इसको टर्न कर कर आप अगर चाहो तो यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हो या फिर तुरपाई कर सकते हो। तो ये मेरा नेक एकदम रेडी है। तो इस पर मैंने पूरे नेक पर तुरपाई कर ली है। इसको टर्न करके दिखाती हूँ। मैंने पूरे गले पर तुरपाई कर ली है। ये हमारा गला एकदम रेडी है। इस तरह इजीली हमारा नेक बन जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।